थर्ड क्वेश्चन देखिए डाइगनल ए सी ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी डी बाईसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसे्ट एंगल सी ऑल्सो एंड ए बी सी डी इज आ रोम्बस सबसे पहले हम गीवन लिखते हैं गीवन में हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरलेग्राम है और पैरलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी और ए बी इक्वल्स टू डी सी में अपोजिट साइड इक्वल होती है देन हमें दे रखा है कि ए सी करती है एंगल ए को तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी ओके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमें ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है इस वाले एंगल के और प्रूफ क्या करना है हमें इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है इस वाले एंगल के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया अभी मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग पैरेलल साइड को यूज़ करेंगे देखो डीसी पैरेलल है ए बी के तो अभी हमने क्या यूज़ किया ट्रांसवर्सल लाइन देखो ये जेड फिगर बन रही है जेड फिगर के अंदर ये कौन सा एंकल होता है ये अंदर वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अच्छा गीवन में साथ में मेरे को ये भी लिखना है ए डी पैरल टू बी सी पैरलो ग्राम है ना जो इक्वल भी है और ये पैरल भी है तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए ए बी पैरल टू डी सी अब हमने इसका यूज़ किया यहाँ पर लिखेंगे हम सेंस ए बी पैरल टू डी सी बाई टेकिंग ए सी एज ट्रांसवर्सल लाइन तो अभी हम यहां लिखेंगे कि एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी क्यों इक्वल है यहां पर ब्रैकेट में रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओके देखो पैरल लाइन्स का एक पेयर तो हमने यूज कर लिया अभी जो बचा हुआ पेयर है ना दूसरा पेयर यूज करेंगे यहां पर हम लिखेंगे सिंस ए डी पैरल टू बी सी बाई टेकिंग ए सी इज आ ट्रांसवर्सल लाइन फिगर पे दोबारा काम करूंगी मैं ये रब कर देती हूं देखो ए डी पैरल है बी सी के अब हमने ए सी को ट्रांसवर्सल लाइन लिया है ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एंगल और एक इधर एंगल ये इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से तो अभी हम लिखेंगे कि एंगल बी सी एक्वल्स टू एंगल डी ए सी इसमें भी डाल देंगे ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अच्छा जो ये हमने पहले प्रूफ किया था ना इसका नाम हम डाल देते इक्वेशन वन यहाँ लिखेंगे इक्वेशन वन और इसका डाल देते हैं इक्वेशन टू अभी हम जो ये गिवन हमें दिया हुआ है ना कि एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी ये हमें क्या कर रखा है गीवन यहाँ अब रीज़न देंगे हम लोगों को गिवन और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन थ्री ठीक है अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री इक्वेशन वन टू और थ्री से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल्स टू किसके इक्वल है बी सी ए के एंगल बी सी इक्वेशन थ्री में ये किसके इक्वल था एंगल बी ए सी के एंगल डी ए सी किसके इक्वल था एंगल बी ए सी के तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल बी ए सी और एंगल बी ए सी देखिए इक्वेशन वन में किसके इक्वल है एंगल डी सी ए के यहाँ हम लिख देंगे इक्वल्स टू एंगल डी सी ए और इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन फोर ओके और क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि एंगल बी सी टू एंगल डी सी ए हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर वी कैन से दैट एंगल बी सी टू एंगल डी सी ए यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और हम लिख देंगे ए सी एंगल सी ऑल्सो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे ओके okay? मैंने इक्वेशन फोर नोट डाउन कर लिए इसका हम यूज़ करेंगे कहीं पे फिगर में दो ट्राइंगल बन रहे हैं या तो आप काम करें ए सी डी ट्राइंगल में या फिर ए बी सी इनमें से सिर्फ एक ट्राइंगल में काम कर लीजिए सेम काम होगा कोई से में भी आप कर सकते हो मैं काम कर रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ट्राइंगल ए बी सी ये सेकेंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है ओके ए बी सी ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल दिखाएंगे हम इस वाले एंगल के क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वल दिखा रखा है इसका हम यूज़ कर लेते हैं हम लिखते हैं कि एंगल बी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कहाँ से लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर से यह हमने ले लिया अब ये आइसोसिलिस्ट एंगल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड इट मीन्स ए बी इक्वल होगी बी सी के तो अभी हम यही लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी यहाँ पर रीज़न देंगे हम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर इक्वल थे हो राम हमारी होती है ना ये अच्छा क्योंकि ये पैरलेलोग्राम है तो हमें ये तो पता है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी यहाँ पे रीज़न देंगे क्या है ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरलेलोग्राम अपोजिट साइड पैरेलोग्राम की इक्वल होती है उसी का हमने यूज़ किया अभी हम लगाएंगे देयर फोर का साइन और हम क्या लिख देंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी बी सी इक्वल है ए डी के और ए बी इक्वल था डी सी के इट मीन्स सारी साइडें इस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल प्रूफ हो गई है और यही हमें प्रूफ करना था हम लिख देंगे हैंड्स प्रूफ इट इज़ अ रोमबस क्योंकि सभी साइड रोमबस की इक्वल होती है ना